भाई लोगों, वी ऑल नो द इम्पोर्टेंस ऑफ रामायण। और आजकल ये फैशन चल गया है, ट्रेंड चल गया है, क्या चल गया है कि भाई जिसको आओ सूझ रहा है ना ताओ सूझ रहा है वो रामायण बना के दे रहा है। भाई अभी नीतीश तिवारी की रामायण चल रही है, मतलब उस पर काम चल रहा है, जिसके लिए लिटरली सभी को वेट है, क्योंकि नीतीश तिवारी जैसा वेल एक्सपीरियंस डायरेक्टर जब कुछ लाएगा तो यस ट्रस्ट बनता है। देन उसके बाद उसमें कास्ट जो रणवीर कपूर जैसे मशहूर एक्टर्स हैं जो जानते हैं वैल्यू किसी ऐसे कैरेक्टर की जो वो प्ले करने वाले हैं। साई पल्लवी आज माँ सीता है, जो जानती हैं वाकई में कि जो माँ सीता का रोल है उसकी जो वैल्यू है उसे कितनी बाखूबी और प्योरनेस की तरीके से दिखाना ही पड़ेगा, और उसमें वो एक्टिंग की सारी चीज़ें डालनी ही पड़ेगी, तो ये चीज़ दमदार है भाई। लेकिन पिछले साल आदिपुरुष आई थी, क्या उस पर क्या बोलूँ दोबारा, लेकिन वैसी ही गुस्ताखी बाबा फिर होने वाली है, क्योंकि एक और नई रामायण इंट्रोड्यूस करी जा रही है जो नीतीश तिवारी की रामायण के साथ एक बार के लिए टक्कर की बात भी कहे जा रही है। तो इसको पहले ही दरकिनार कर देते हैं क्योंकि टक्कर तो फिलहाल नहीं ले पाएंगी। छत्तीसगढ़िया इंडस्ट्री या फिर भोजपुरी इंडस्ट्री से डायरेक्टर आते हैं अभिषेक सिंह, जो एक अपनी रामायण को इंट्रोड्यूस करा है श्री रामायण कथा के नाम से, जिसमें अगर कास्ट की बात करो जो बहुत कंट्रोवर्सी में चल रही है इस टाइम पर, जब से ये न्यूज बाहर आई है मार्केट में, लगभग 24 घंटे हो चुके हैं आई थिंक, माँ सीता के रूप में अंजलि अरोड़ा देखने को मिलने वाली है। और भाई साहब मैं पहले ही कह दूं, अगर ये माँ सीता का रोल प्ले करेंगी और ये वाली रामायण आएगी तो भाई साहब आदि पुरुष मेरी लिस्ट में अब ये नंबर वन मूवी होने वाली है। मतलब रामायण में मैं इस मूवी को अब बुरा नहीं कहूंगा क्योंकि वो फिर भी बहुत अच्छी है इन कंपैरिजन ऑफ दिस कास्ट एंड जो मूवी ये लोग लाने वाले हैं। भाई लिटरली ओम राउत, उसके लिए मैं अभी से क्षमा मांग लेता हूँ। लेकिन भाई कौन डिमांड कर रहा है इतनी रामायण की, आखिर डिमांड कौन कर रहा है कि एक ही साल में दो दो रामायण आ जा रही है। श्री रामानंद सागर जी ने जो रामायण बनाई थी वो छवि आज तक बरकरार है, क्योंकि इन सारी चीज़ों से वैल्यूज सामने आती हैं, लोग रिलेट करते हैं कि यार ऐसा ही शायद हुआ होगा। लेकिन आदि पुरुष की इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई, इतना ज़्यादा हेट मिला, दैट्स वाई कि लोग उसको एग्जाम्पल के तौर पे नहीं लाएंगे कि वाकई में उस समय या उस दौर पर ऐसा हुआ होगा, क्योंकि बहुत कुछ छेड़खानी करी थी और जो इनटॉलरेबल थी और बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं थी। तो ये लोग फिर वही चीज़ करने जा रहे हैं, वही गुस्ताखी करने जा रहे हैं जो पहली छाप इन्होंने अपने कास्ट से कही है माँ सीता के रूप में अंजलि अरोड़ा को इंट्रोड्यूस करके। अगर आप अंजलि अरोड़ा को नहीं जानते हो तो बाबा आप मर्द जात में बहुत ही प्योर 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 स्पिरिट है। लेकिन अगर एक तबका हमारे इंडिया में हवस से भरा ठरकियों का ना होता तो क्या अंजलि अरोड़ा यहाँ पर हो पाती? मतलब कच्चा बादाम करते करते क्या ये फेम, ये जो वो फेम मिला है उसको क्या ये वहाँ पर हो पाती? दूसरा, बात अगर एक्टिंग की करें तो भाई अंजलि अरोड़ा की पहले ही बहुत से सॉन्ग आ चुके हैं, तो उससे भाई पूरा प्रॉमिस ये मिलता है कि अगर आप एक्टिंग ना ही करो तो ही अच्छा है। अगर आपको डेब्यूशन देना ही है, और इसके साथ अगर डायरेक्टर की भी बात करें भाई साहब, अगर आपको डेब्यूशन में लेना ही है, बड़े स्तर पर लाना ही है मूवी को, तो बहुत से ऐसे प्रीवियस कॉन्टेंट हैं भाई। हिस्ट्री पर ही मूवी बनानी है तो आप किसी और चीज़ को भी दिखा सकते हो, एक रामायण का ही गला क्यों घोटना है आपको भाई? बाकी मैं कहूँगा कि भाई अगर आपको हिस्ट्री से ही बनानी है और रामायण से रिलेटेड ही बनानी है तो आप भरत की लाइफ में फोकस करके बना सकते हो, लक्ष्मण की लाइफ में फोकस करके बना सकते हो, देन उसके बाद कैकेयी की लाइफ में फोकस करके बना सकते हो, दशरथ की लाइफ में फोकस करके बना सकते हो, बहुत कुछ है दिखाने के लिए। बाकी भाई हम तो क्या ही कह सकते हैं, बस दो चार बातें ही कर सकते हैं, होना वही है जो होके रहेगा। अगर आप बना ही रहे हो तो एलविस यादव को श्री राम भी ले लो भाई, और पुनीत जय सुपर स्टार को बना लो, रावण बना लो इनको भी, एंड लक्ष्मण के रूप में अगर देखना चाहोगे तो मैं बड़ा अच्छा नाम रिकमेंड करूंगा, थारा भाई जोगिंदर भाई, हमेशा ये बंदा हमेशा अग्रेसिव रहता है तो बिल्कुल जम जाएगा इसमें। बाकी यहाँ तक पहुँच गए तो इसका मतलब वीडियो पसंद आई, पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो पर, जय हिंद।